प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए क्लीनिंग वीडियो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करूँ। सो उसी सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रिज क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। मेरा जो रेफ्रिजरेटर है वो सैमसंग का है और उसका जो डिटेल्स है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है कि वो कितने लीटर्स का है और उसके फंक्शंस क्या है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो आज हम करेंगे फ्रिज की क्लीनिंग और मेरे साथ आप भी शुरू हो जाइए और अपने फ्रिज को आज क्लीन कर लीजिए। फ्रेंड्स, जब भी अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आती हूँ उसके एक दिन पहले मैं अपना फ्रिज पूरा क्लीन कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ पहले, तो जब भी मैं अपने फ्रिज में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रखती हूँ बाजार से लाकर, उसके पहले अपने फ्रिज को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और मंथ में एक बार मैं पूरा फ्रिज अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। ये मेरा शेड्यूल हमेशा का रहता है। तो मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग और जब भी आप वेजिटेबल्स लाएं तब उसके पहले अपनी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लें, तो कभी भी आपके फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी, किसी भी तरह की स्मेल आपके फ्रिज में से नहीं आएगी। इन केस कि अगर आपके फ्रिज में से स्मेल आ रही है या स्मेल आती है, तो एक कटा हुआ नींबू आप अपने फ्रिज में रख लें या फिर कुछ बेकिंग जो पाउडर आता है, बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख लें, तो उससे ये होगा कि आपके फ्रिज में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन ये कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार आप अपने फ्रिज को ऊपर से अच्छे से पोंछ लें और जो वाइप करना है गीले कपड़े से सिंपली पोंछ लें और मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग कर लें, दैट्स इट। आपका फ्रिज कभी भी गंदा नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, दिस इज़ द बिफोर पिक्चर ऑफ माई रेफ्रिजरेटर और इसमें जितना भी आप सामान देख रहे हैं वो इस तरीके से हो जाता है कुछ टाइम बाद, यानी कि काफ़ी क्लटर्ड हो जाता है और सभी लोग क्योंकि हाथ लगाते हैं तो कोई भी सामान कहीं पर भी रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्विच ऑफ कर दिया है अपने रेफ्रिजरेटर को और अब मैं इसमें से सारा सामान जो है वो खाली करूँगी। लेकिन अभी फ्रंट जो साइड है उसको मैं खाली करूँगी और डोर को मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इकट्ठा अगर मैं सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाती हूँ कि कहाँ रखूँ और कैसे स्टार्ट करूँ। तो एक एक शेल्फ भी आप कर सकते हैं अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि हाँ पूरा एक बार में फ्रिज करना है। तो मैं तो अभी सामने का जो साइड है उसको पूरा क्लीन करूँगी और सारा सबसे पहले सामान हटा दूँगी, जितने भी वेजिटेबल्स मैं कल लाई थी तो तुरंत में जो वेजिटेबल मुझे रखने थे तो वो ऐसे ही मैंने प्लास्टिक में रख दिया। मैं कभी भी जो ये लोकल जो प्लास्टिक होता है उसमें कभी रखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं रात में लाई थी तो उसे मैंने बास्केट में ऐसे ही डाल दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लाइनर भी लगाती हूँ अपने शेल्स में, क्योंकि कुछ भी स्पिल होता है या गिरता है तो वो अच्छे से जो है उसी में गिर जाता है, बाहर कहीं फैलता नहीं है और वो आप लाइनर निकाल के जो है उन्हें वॉश कर सकते हैं। तो मैं बीच के पार्ट में ही केवल लाइनर लगाती हूँ। अभी मैं एक बोल में पानी ले रही हूँ और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड डालूँगी और बस ये मेरा जो है ऑल पर्पज़ क्लीनर बन गया। इससे मैं पूरा जो फ्रिज है अच्छे से वाइप कर दूँगी। फ्रेंड्स, फ्रंट पोर्शन मैंने पूरा खाली कर लिया है और डोर में जो भी सामान है वो मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी जब मैं फ्रंट पोर्शन में सारा सामान रख दूंगी। तो एक अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने लिया है जिससे मैं सारे शेल्फ्स अच्छे से जो है पोंछ लूँगी। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो है ना सारे शेल्फ्स निकाल लीजिए और बास्केट निकाल लीजिए और उनको अच्छे से वॉश करके एक सूखे कपड़े से पोंछ कर भी रख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वीक में एक दिन जो है वो अच्छे से अपने फ्रिज को पोंछती हूँ जब भी वेजिटेबल्स लाती हूँ और रखती हूँ, और मंथ में एक बार जो है डीप क्लीनिंग करती ही हूँ, तो मेरा फ्रिज उतना गंदा हो ही नहीं पाता। आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी इसमें जमा नहीं है। तो अगर आपने बहुत टाइम से अपने फ्रिज को साफ़ नहीं किया है तो आप बेटर होगा कि सारे शेल्फ्स निकाल लें, बास्केट निकाल लें और धो के उसको अच्छे से सुखा कर और वापस उसे लगा दें। तो अभी तो मैंने इन सबको पोंछ लिया है। अभी एक मैं ग्लास क्लीनर लूँगी। वो ग्लास क्लीनर बहुत अच्छा रहता है फ्रिज के लिए क्योंकि उससे जो हमारे फ्रिज में जो निशान लगे हैं ना कपड़ों के वो बिल्कुल हट जाते हैं
और अच्छे तरीके से आप ग्लास क्लीनर डाल के और एक सूखे कपड़े से उसको अच्छे से वाइप कर दीजिए तो सुपर शाइनी और सुपर क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने शेल्फ़ में शेल्फ लाइनर ज़रूर लगाती हूँ। ये डाइनिंग टेबल के मैट हैं तो इनसे क्या होता है कि कुछ भी स्पिल होता है ना हमारे फ्रिज में तो वो इसी में गिरता है, तो मैं बीचों बीच इसको रखती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें सारे आप यूटेंसिल्स के ऊपर रख दीजिए या लेफ्ट ओवर फूड रख दीजिए तो कुछ भी गिरेगा, अगर हम नहीं रख रहे हैं कोई और भी रख रहा है घर में तो ये सेफ़ रहता है, हमारा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अभी तो मैं सारे बास्केट्स खाली करूँगी और इनको प्रॉपरली वॉश करके एयर ड्राई होने रख दूँगी और फिर वापस इसमें सारा सामान जमा के फ्रिज में रखूँगी। फ्रेंड्स, जब तक सारे बास्केट्स एयर ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं सारा जो सामान है उसे एक बार देख लूँगी कि कोई सामान वेस्ट तो नहीं हो गया या किसी की एक्सपायरी तो नहीं हो गई। और ये जो बास्केट्स हैं मैं इसी तरीके से जमाती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में काफ़ी स्पेस रहती है और ये स्टैकेबल हैं, इनको मैं एक के ऊपर एक रख के भी ज़्यादा स्पेस निकाल सकती हूँ, बट अभी मुझे उतनी ज़रूरत नहीं हुई है ज़्यादा स्पेस की। तो ये बास्केट के ऊपर जो है वो मैं लेफ़्ट ओवर फूड रखती हूँ, तो इस तरीके से मैं जमा के रखती हूँ। ये मेरा अपना कंफर्ट लेवल है, आप चाहें तो उनको अलग तरीके से भी रख सकते हैं, मुझे जो कंफर्ट लगता है जिसमें सामने निकालने में मुझे इजी होता है उस तरीके से मैं रखती हूँ। तो इस टाइप से भी रख सकती हूँ एक के ऊपर एक करके और अलग अलग करके भी मैं रख सकती हूँ, तो ये अपनी चॉइस है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने फ्रिज को पूरे टाइम खुला रखिए, जब तक भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ों को धो रहे हैं पोंछ रहे हैं, क्योंकि उससे इसकी जो भी स्मेल होगी हल्की, जो भी अंदर स्मेल भरी होगी वो पूरी निकल जाएगी। तो अब आ जाते हैं डोर की तरफ और डोर को पूरा मैं खाली कर दूंगी और डोर के जो आप देख रहे हैं शेल्फ्स ये भी उतने गंदे नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैं पोंछती रहती हूँ। तो अब सारा सामान मैंने ये खाली कर दिया है प्लेटफॉर्म पे और अब जो है मैं सारे जितने भी शेल्फ्स हैं उनको ग्लास क्लीनर की हेल्प से ही पूरा पोंछ लूँगी और जितना भी इसकी बॉडी है वो भी मैं पोंछ लूँगी फ्रिज की। तो अगर ये रबर आपके गंदे हो गई है फ्रिज के डोर की, तो जो टूथब्रश होता है ना वेस्ट वाला, उसमें डिटर्जेंट आप सोक करके और अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, और अगर गंदा नहीं है तो आप कपड़े की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि ये पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है और इसमें मैंने सारा सामान रख दिया है। अब रखना बाकी है सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो मैं कैसे रखती हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, इसको आप देखते रहिए। और डोर में भी मैंने सारा सामान रख दिया है फ्रेंड्स, तो चलिए सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम अच्छे से देख लेते हैं और उनको प्रॉपरली जमाते हैं। ऊपर का शेल्फ आप देख रहे हैं कि इसमें मैं मेडिसिन रखती हूँ, तो वो मैं इसी तरीके से हमेशा रखती हूँ, तो वो एक जगह पर रहती हैं और इधर उधर बिखरती नहीं हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम अच्छे से जमाते हैं। सबसे पहले ये जो लोकल पॉलीथिन्स हैं इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इनको अपने फ्रिज में नहीं रखती हूँ। हमारे भोपाल में अभी भी पॉलीथिन बंद नहीं हुई है, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं बैग्स में रखना इसलिए नहीं ले जाती हूँ क्योंकि सारी मिक्स हो जाएंगी और उनको फिर छांटना और निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इस तरीके से मैं लाती हूँ लेकिन उनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ज़िप लॉक बैग्स मैं यूज़ करती हूँ जो कि एक अच्छा क्वालिटी का रहता है। तो सारे जो मिर्ची हैं, टमाटर हैं, अदरक है, इसको मैं वॉश करके रखती हूँ और ये मेरा एक महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता।
फ्रेंड्स ये जो वेजिटेबल्स मैं लाई हूँ ये 15 डेज के लिए लाई हूँ, लेकिन टमाटर और मिर्च मेरे बहुत दिन तक चलते हैं, यानी कि 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मेरा जो रखने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। मिर्ची को मैं साफ़ धोकर और पोंछ कर उसके जितने भी डंठल है वो निकाल देती हूँ और एक बॉक्स को बंद करके इस तरीके से रखती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और टमेटोज़ जो हैं वो मैं ओपन बास्केट में, जो ऑरेंज कलर की बास्केट आप देख रहे हैं उसमें मैं रखती हूँ, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। और जो है 1 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसकी स्किन भी अच्छी सी रहती है, टाइट रहती है। तो आप इस तरीके से रखें। और अगर आपने मेरे हाउ टू कीप कोरिएंडर एंड चिलीज़ ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है मैंने दे रखी है, तो वो आराम से आप देखिए और उसी तरीके से आप रखिए, आपके भी जो मिर्ची हैं, टमाटर हैं, अदरक हैं, ये सब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अभी तो मैंने सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको जिप लॉक बैग्स में रख दिया है और मैं उनको जमा रही हूँ। फ्रूट्स में एक तरफ रखती हूँ, वेजिटेबल्स एक तरफ, काफ़ी डेप्थ है मेरे बास्केट में, तो ये सब अच्छे से बन जाता है। अब ये है फ्रीज़र पोर्शन। तो फ्रीज़र में जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ वो मैं सारी बाहर निकाल दूँगी और इसे भी उसी तरीके से वाइप करके और सारा सामान वापस जमा दूँगी। जो चीज़ें मुझे अभी यूज़ की नहीं है या फिर जो एक्सपायर हो गई उनको मैं एक बार देख लूँगी। वैसे तो एक्सपायर कुछ हुआ नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक बार उसको देखती ही हूँ कि कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, मेरा फ्रिज फाइनली बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं इसी तरीके से अपनी डीप क्लीनिंग करती हूँ फ्रिज की। अगर हम इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे और इसकी डीप क्लीनिंग भी करेंगे तो कभी भी फ्रिज में से कोई स्मेल नहीं आएगी और हमारा फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरा रखा रहेगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूल आप हमेशा बनाएं। और हाँ, मेरे शेड्यूल की बहुत लोगों ने डिमांड की है कि मैं अपना प्लानर बताऊँ मंथली और ईयरली जो भी मैं अपना बना कर रखती हूँ, तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसे आप चेक करिएगा और मेरे चैनल के लिए आप ट्यून्ड रहिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारा साफ कर लिया है और ये जो येलो बास्केट है इसके ऊपर मैं लेफ्ट ओवर फूड रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स से। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो मेरी जो वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस में गुम हो जाएंगी। बहुत सारी वीडियोस रहती हैं यूट्यूब पे, ये सब्सक्राइब बटन नीचे रहता है रेड कलर का, उसको एक ही बार हिट करना है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी चेक कर लीजिए, वो सब वीडियोस भी आप सभी के लिए हैं। तो आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।